काफी चौक पर इस समय पहुंचे हैं और आपको बता दूं कि यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और बस के नीचे एक आदमी कुचला गया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन अफसोसजनक बात, इतना बड़ा चौक है, ट्रैफिक है, लेकिन पुलिस प्रशासन का यहाँ पर सामने पुलिस पोस्ट आपको दिखाई देगी, लेकिन मुलाजिम यहाँ पर गाड़ियों को डायरेक्शन देता हुआ यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। हाँ जी, वैसे ऐसा है ना, तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन है कहीं यहाँ पे, है कहीं यहाँ पे है क्या? जब ये चौक है तो चौक पर पुलिस होनी जरूरी है ना, है कि नहीं है? ये देख लो, पुलिस वाला कोई नहीं था, कोई नहीं आप यार ऐसा कोई बात। आपकी दुकान यहाँ पर कहीं? हमारी दुकान हो ना, हम तो चलने वाले बंदे पर, लेकिन देखना चाहिए ना, देखना चाहिए। अब ये देख, अब सब आ गए, उससे पहले तो कोई नहीं था, उससे पहले कोई नहीं था। सामने पुलिस पोस्ट बनी हुई है, सामने चाय की कुश्तियाँ भरते हैं पुलिस वाले, ड्यूटी पे मौजूद नहीं, क्या करे फिर? चलाते टाइम देख रहे हैं, चलाते टाइम देख रहे बस, तो कोई है नहीं, तो होम गार्ड ये वाले हैं बस, पुलिस वो तो कोई है नहीं मौजूद। वो किसकी लगती है, जिसकी जान चली गई वो गलत था, या बस की गलती थी, या इस समय पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर नहीं था? गलती सिर्फ यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की है, जो होनी चाहिए, जो चाहिए पता, यहाँ पे है कोई? यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है, जैसा कुछ सब रत रही, पर ये बात गलत है, यहाँ होना चाहिए। अरे कोई बंदा तो सब देखना चाहिए ना, है कि नहीं है? अफसोसजनक बात आपको बता दूं, कितना दुखी हृदय यहाँ पर इस समय, आपको बताऊं, आगे लेकर के चलेंगे, कैमरामैन से कहेंगे आगे आएगा, सामने आपको दिखा दें किस तरह से अब यहाँ पर जो है टीमें पहुंची हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था यहाँ पर, इतना रश यहाँ पर रहता है, लेकिन अफसोसजनक बात, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज वाले भी थोड़ी ऐसी हैं जी, एक दफा पहले भी वारदात हुई, तो यहाँ पर ड्यूटी पर उस समय मौजूद जो पुलिसकर्मी है उनकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि रास्ता दे, क्या कहें? हरियाणा रोडवेज वाले भी थोड़ी ऐसी हैं जी। आप कहाँ से? मैं यही से। किसका ड्राइवर कहाँ? पता नहीं, ये तो प्राइवेट है। ये बस जो आपको मैं दिखा दूं, जी हाँ आपको दिखा दूं, ये बस जो है जरनैल सिंह, हम आपको बताएं किस तरह इस बस के पिछले टायर के नीचे अभी भी निशान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, इसके पिछले टायर के नीचे जो है ये शख्स आ जाता है सड़क पार करता हुआ, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कौन कसूरवार है? जान गई, जिंदगी गई, हो सकता है घर का कमाने वाला वो अकेला हो, लेकिन ना तो किसी को चिंता इस बात की, ना किसी को ड्यूटी की परवाह। आपको दिखा दें सामने पुलिस पोस्ट आपको दिखाई देगी, इस समय सब ट्रैफिक को रोक दिया गया, इस समय हर तरफ हड़कंप मचा, लेकिन पहले यहाँ पर कोई नहीं था, सरेआम चुस्कियाँ भरते चाय की और गप्पे करते यहाँ पुलिसकर्मी इस चौक पे आपको दिखाई देंगे। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा, बड़ी वारदात इस समय हुई आपके सामने, ये बस जो है इस बस के नीचे जो है पिछले टायर के नीचे वो शख्स आया जिसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, पेवा कुरुक्षेत्र पेवा। ये बस जो है, नंबर आपको मैं दिखा दूँ, इस समय HR 65A 8837 ये बस है, सवारियों को उतार दिया जाता है, कंडक्टर यहाँ पर इस समय दिखाई नहीं देता, साथ के साथ ड्राइवर जो है वो यहाँ से फरार होता दिखाई देगा। खबर को साथ के साथ जो है आप शेयर करें, आखिरकार क्यों इस तरह के हादसे होते हैं, क्यों अपनी ड्यूटी को? जी चलान चलान की जिम्मेदारियाँ इनकी, यहाँ चलान चलान कटते हैं, कोई ट्रैफिक का इनका निकालने का कोई कुछ नहीं करते हैं, उसी चौक के बीच में कोई बंदा नहीं खड़े का। बात मैं पूछना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा उन अधिकारियों से जिन अधिकारियों ने यहाँ पर वो ड्यूटियाँ लगाई हैं, पूरी ना तो 20 से 25 मिनट, कितना टाइम हो गया यहाँ तो जब मर्जी आ जाओ ड्यूटी, इस एक्सीडेंट कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से ऊपर हो गया, 20 मिनट अप्रॉक्सीमेट हो गया, 20 मिनट पहले की आपको वारदात बता दूं, किस तरह यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे सब लोग। पुलिस अब पहुंची है, लेकिन एम्बुलेंस का यहाँ पर कोई नाम निशान नहीं, अगर मान लीजिए वो हरकत में भी होता तो तड़प तड़प कर वो अपनी जान दे देता, ये अनहेली आपको यहाँ पर सरेआम दिखाई देगी। खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिएगा, दुखद घटना, पिछले टायर के नीचे आके उस शख्स की मौत हो जाती है, ड्राइवर यहाँ से बिल्कुल फरार है इस समय, ना तो कंडक्टर है, सड़क बीच सड़क में बस छोड़कर जो है ड्राइवर यहाँ चला जाता है। तो वारदात जो होती है वो क्यों होती है, सोचने वाली बात है, क्यों अपने कुर्सी पर बैठकर गुफ्तगु की जाती है, क्यों चाय पी जाती है, कोई आपको स्टाफ मुलाजिम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ट्रैफिक को रोकने वाला कोई नहीं है। अब एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर मुलाजिम जो है तैनात होते आपको दिखाई दे, खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा, अब ट्रैफिक यहाँ आपको जाम होता दिखाई देगा, ना तो यहाँ पर आपको कोई पुलिस मुलाजिम कोई ट्रैफिक को रोकता और रास्ता दिखाता दिखाई देगा, सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठ के, वो देखिए
वो सामने आपको दिखा दे, कुर्सियां पुलिस पोस्ट के पास पड़ी हुई हैं और वहां बैठ के गुफ्तगू की जाती है, चाय की चुस्कियां भरी जाती हैं। खबर को साथ के साथ शेयर करिए। सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है किस गाड़ी से ये जो बस आपको सामने दिखाई दे रही है, इस बस से जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। बताएं खबर को साथ, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचने वाला, आपको दिखा दें हालात जो है इस समय, बॉडी के वो नहीं है जो आपको दिखाए जा सके, ट्रैफिक जाम होता है। आप यहाँ पर आवाम आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? यहाँ भाई साहब चौक के बीच में खड़े होगा, कोई ट्रैफिक नहीं रखवांदा, वहाँ कुर्सियां घेर का बैठे, जब चलान काट लो बाज का मोटरसाइकिल पकड़ेंगे। यहाँ ट्रैफिक का नहीं भाई, इधर से रोको उधर वाला चल दो, इधर से रोको उधर वाला चल दो, ये कानून मान लिख रखे इनके। 500 बार ये चीज देखी गई है और बार बार अपीलें की गई है, कृपया करके यहाँ पर पुलिस मुलाजिम कुर्सियों पर ना बैठें, ड्यूटी पर तैनात रहें। आपको दिखा दें किस तरह यहाँ पर बड़ा हादसा होता है, अब जाकर जो है चादर से ढक दिया गया है। आपको मैं बता दूं किस तरह ये बुजुर्ग आदमी था, और मेन सोचने वाली बात है कि वारदात हुई और साथ के साथ ही यहाँ से ना तो कंडक्टर यहाँ आपको दिखाई दिया, ना आपको यहाँ पर बस का ड्राइवर दिखाई दिया, और सवारियाँ भी यहाँ से जा चुकी हैं। खबर को साथ के साथ शेयर करिए। HR 65A 8837 साथ के साथ जो है यहाँ से ये मुड़कर नहीं देखा गया, उस इंसान के चोट लगी है या इंसान मर चुका है, बिल्कुल साथ के साथ यहाँ से गायब होते आपको दिखाई दिए। यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं, बात करेंगे भाई साहब कैसे देखते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो इनमें से कोई भी भाई जो है यहाँ पर बात करने को इस समय नहीं तैयार है, पुलिस यहाँ पर पहुंची जरूर है। इस समय एम्बुलेंस हमें आती सुनाई दे रही है, आपको सामने लाइव तस्वीरें आपको दिखा दूँ। इस समय एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची, बेशक देर से सही लेकिन आखिरकार पहुंची। तो क्या होना चाहिए, अपील रहेगी हमारी उच्च अधिकारियों से हमारी अपील रहेगी। इस समय एम्बुलेंस यहाँ पर आपको पहुँची दिखाई देगी। तैयार है, पुलिस यहाँ पर पहुँची जरूर है। इस समय एम्बुलेंस हमें आती सुनाई दे रही है, आपको सामने लाइव तस्वीरें आपको दिखा दूँ। इस समय एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची, बेशक देर से सही लेकिन आखिरकार पहुँची। तो क्या होना चाहिए, अपील रहेगी हमारी उच्च अधिकारियों से हमारी अपील रहेगी। इस समय एम्बुलेंस यहाँ पर आपको पहुँची दिखाई देगी। एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर जो है और कंडक्टर साथ के साथ फरार हो जाते हैं, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा, पुलिस प्रशासन क्या काम करेगी? नहीं सर, अब गाड़ी कब्जे में लेके और उनको उसी टाइम मालक को बुला के उनको बुलाया जाएगा, और जो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई है। सर यहाँ पर जो जनता खड़ी है उसका आरोप है कि इस नाके के ऊपर सामने कुर्सियाँ रखी हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ बैठ के इधर उधर देखता है, ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं होता, क्या बताएंगे? नहीं सर, ड्यूटी पे तैनात है और जैसे ट्रैफिक कई बार फाटक लग जाता है पहली तरफ भी जाके, अगर ड्यूटी पे होता तो शायद ये मौत ना होती। नहीं सर, वो अचानक अरे एकदम आ गया आगे बस के, पैदल था, लंगड़ा आदमी था, हाथ में उसके डंडा था, अचानक वो कैसे आ सकता है? आपने जब लाश उठाई है तो डंडे से उठाई है, तो वो बुजुर्ग आदमी वो तो सर अचानक आ सकता है, वो स्ट्रेचर से उठाई ना, स्ट्रेचर पे रख के उठाई। नहीं, वो चलने बता रहे हैं ना आसपास के लोग, वो डंडे से चलता था, कैसे उस मतलब अचानक, क्या बताएंगे उसके बारे में? मौका तो सर मैंने भी अभी आपके सामने जैसे पता लगा मेरे को, मैं भी तुरंत पहुंचा हूँ, मैंने सुभाष मंडी में आयोग को बुलाया था कि वो जो कानूनी प्रक्रिया है जो थाने के संबंधित वो करेंगे उसके बारे में। चलिए धन्यवाद आपका, तो मेरे साथ SHO रामकरण लाइव तस्वीरें आपके साथ। ये आपको बता दूं साफ तौर पर कहना है कि अचानक जब वो बुजुर्ग शख्स था और चलने में उसको जो है लाठी का सहारा लेना पड़ता था, तो किस तरह से अचानक वो एक्सीडेंट हो सकता है, बस की लापरवाही कहें या पुलिस की लापरवाही, एक्सीडेंट हुआ, जाने वाले की जान चली गई। माननीय SP साहब से मेरी अपील रहेगी, कृपया करके इधर उधर नज़र पूरी घुमा करके देखें किस तरह से कौन सा मुलाजिम किस तरह से ड्यूटी कर रहा है, तभी कुरुक्षेत्र जो है सुरक्षित हो पाएगा। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, खबर को शेयर करिएगा, कसूरवार कौन ये लिख के ज़रूर बताइएगा। अरविंदर सिंह के साथ देखा आपने कुरुक्षेत्र खबर, धन्यवाद।